अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द माशाल्लाह जायका। आज हम बनाएंगे करेले की सब्ज़ी। तो ये करेले हैं, इनमें मैंने 2 चम्मच नमक डाल के ओवरनाइट भिगो के रख दिया था, इससे इसका कड़वापन चला जाता है। अब इसके मसाले, ये है फली 50 ग्राम मूँगफली, ये 2 टेबल स्पून कच्चा नारियल, सूखा नारियल 4 टेबल स्पून, तिल 1 अनियन। अब ये तड़के के लिए है 15 से 17 करी लीव, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून ड्राई, 7 से 8 सूखी मेथी, 1 पिंच कलौंजी। अब ये मसाले हम पूरे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, एक पैन ऑन करके गैस ऑन करके चढ़ा देंगे। अब ये मसाले एक एक करके हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, करेले की सब्ज़ी को बनाना है तो पहले करेलों को रात में ओवरनाइट भिगो के रख देंगे तो, और उसमें 2 टेबल स्पून नमक डाल के रखेंगे तो जो करेले की सब्ज़ी है वो कड़वी नहीं होगी। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो हम ये मसाले पूरे जो हैं ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब ये जो हमने एक अनियन बताई थी उसको स्लाइस करके 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको गोल्डन फ्राई करना है। ये गोल्डन फ्राई हो गई है, इसको भी हम निकाल देंगे। ये है करेले। फ्रेंड्स, ये करेले अब हम फ्राई करेंगे, इसको हम 2 स्लाइस में काटेंगे। तो इसमें हम जो मसाला भरेंगे, मसाला की सब्ज़ी जो हम बना रहे हैं, तो इसके अंदर तक जाएगा मसाला। वो आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मेरी राय है कि आप 2 स्लाइस करके इसमें डालेंगे, काटेंगे तो जो मसाला है पूरा इसको अंदर तक ले लेगा, और जो कड़वे दिखते हैं करेले वो कड़वे नहीं दिखेंगे। अब ये मसाला जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था ये सारा हम पीस लेंगे, इसका एक पेस्ट बना लेंगे। करेले हमारे तल लिए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। देखिए, मैंने ये लंबे इसलिए रखे हैं आपको बताने के लिए कि आप इसको लंबे भी डाल सकते हैं और 2 स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। अब हम वही पैन में 2 टेबल स्पून 2 बड़े चम्मच ऑयल और डालेंगे, और ये हमारा तड़का जो था वो पूरा इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉटे कर लेंगे। अब हमने जो मसाला पीस के रखा था वो इसमें डाल देंगे। अब हम इसको बहुत अच्छे से भुनेंगे, इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। देखिए, अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें अपने पूरे ड्राई मसाले डालेंगे। तो 1/2 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे, 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, एंड 2 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने अनुसार भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। अब हम इन मसालों को डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, हमने जो करेले तले थे वो अब हम इसमें डाल देंगे। अब उसको भी अच्छे से मसाले में भुना लेंगे। ये इमली है फ्रेंड्स, ये इमली 20 ग्राम है, 1/2 हैंडफुल बोलते हैं। अब उसी जार में 1/2 कप पानी लेके हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे, और इसको हम ढक के 5 से 7 मिनट्स के लिए पकाएंगे। तेल रिलीज हो गया है, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। देखिए, अब फ्रेंड्स, इसमें हमने जो इमली भिगो के रखी थी उसका पल्प हम इसमें निकाल देंगे, निकाल के इसमें डालेंगे। इसमें इमली का पानी डलता है जिससे हमारे करेले जो है कड़वे नहीं होते। और फिर से हम इसको एक बार हिला के 5 से 7 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए, इमली का पानी डालने के बाद भी तेल रिलीज़ होना ज़रूरी है, इससे क्या होता है मसाले पक जाते हैं अच्छे से। ये साइन है मसाले पकने का और ऑयल रिलीज़ होने का। अब हमने स्टार्टिंग में जो टमाटे दिए थे, 3 टमाटे हमने इसमें काट के डाल दिए, 2 स्लाइस करके डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यकीन मानिए करेले एकदम अंदर तक जूसी हो जाते हैं और कड़वे नहीं होते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा कोट में हरा धनिया डाल देंगे काट के। बस तैयार है हमारे करेले की सब्ज़ी, मसाला करेले। इसको 1 मिनट के लिए अभी मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
बिल्कुल कड़वापन ख़त्म हो जाता है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।